very good morning to all my dear students in this lecture we are going to discuss some important problems of the circle let's come to the problem number 1 in this problem it is given that ab and ac are two chords of a circle of radius r ए बी और ए सी किसी सर्किल के टू कॉर्ड्स हैं जिस सर्किल की रेडियस आर है सच दैट ए बी इज इक्वल टू टू ए सी सच दैट कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू टू टाइम ए सी गिवन है इफ़ पी एंड क्यू आर द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड ए सी फ्रॉम द सेंटर कहा गया कि अगर स्मॉल पी और स्मॉल क्यू जो है सेंटर से जो है कॉर्ड की डिस्टेंस है तो कह रहे हैं देन यू हैव टू शो प्लस थ्री आर स्क्वायर ये चीज हम लोगों को क्या करना है बच्चों शो करना है तो फर्स्ट थिंग अगर आपको पता होगा तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जो हमारा मेन मोटिव होता है मेन वर्क होता है वो होता है डायग्राम ड्रॉ करना तो सोल्यूशन पे आते हैं सोल्यूशन पे आने से पहले हम पहला काम क्या करने वाले हैं डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं ये रहा हमारा सर्किल अब देखिए क्या कह रहे हैं ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल तो सबसे पहला काम हमने क्या किया ये कॉर्ड बना लिया एक ए बी ले लिया और उसी तरीके से एक कॉर्ड हम बच्चों क्या ले लेंगे इसी तरीके से हम एक कॉर्ड ए सी ले लेंगे ठीक है ए बी और ए सी हमने एक कॉर्ड ले लिया अब ध्यान से टू कॉर्ड्स कंसीडर किए फिर क्या कह रहे हैं सेंटर सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। सेंटर सर्किल का हमने सपोज करिए ले लिया। सर्किल का सेंटर ओ हो गया तो डेफिनेटली हम इसकी रेडियस भी दे रखी है तो ये रेडियस सपोज करिए हो गई ये हो गई आर अब क्या कह रहे हैं ये ये कह रहे हैं बी एंड ए सी फ्रॉम द सेंटर तो कह रहे हैं कि ये सेंटर से हमने क्या किया ये कॉर्ड ए बी ले लिया इसकी डिस्टेंस कितनी है इसकी डिस्टेंस है ए बी से डिस्टेंस पी है और उसी तरीके से सेंटर से ये ले लिया कॉर्ड जो है कॉर्ड जो है ए सी पे डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है ये डिस्टेंस दे रखी है क्यू ठीक है अब हमारे पास आपको जो है एक आर्टिकल बताया नहीं गया है जानिएगा किसी पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो पॉइंट से लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है एनसीआर में भी दे रखा है और प्रीवियस किसी चैप्टर में शायद आपको पढ़ाया भी गया है शायद इस, आ, आ, न, ये ट्राइंगल में भी बताया गया है किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की जो डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो वो डिस्टेंस पोपेंडिकुलर उस पॉइंट से उस लाइन के बीच की पॉपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है उसी तरीके से पॉइंट और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इसकी पॉपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो ये चीज़ बेसिकली होगी गई। अब हमने अभी आपको कुछ थ्योरम भी बताई थी चलिए उसके बाद ये सारी चीजें हैं हमें प्रूफ क्या करना है वी हैव टू शो दैट फोर क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है ये काम हम लोगों को क्या करना है हमें शो करना है तो अब बात करते हैं देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिए यहाँ पर आपको बच्चों दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन सा ट्राएंगल है एक ट्राइंगल आपके पास है ट्राइंगल एक ट्राइंगल आपके पास क्या है इसको हम एम इसकी नेमिंग कर देते हैं इसको एन कह देते हैं एक ट्राइंगल है ए ओ एन दूसरा ट्राइंगल है ए ओ एम दोनों ट्राएंगल में वर्क करेंगे और हमारा आंसर इजली हमें मिलने वाला है तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं पहली चीज़ है कि ओ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी और दूसरी चीज दे रखी है ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी जब ओ एम ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे आता है तो वो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा उसी सिमिलरली वी कैन से दैट इन द केस ऑफ ए सी इफ ओ ओ एन इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉडिनेटली एम ओ एन विल बाइसे करेगा बाइसे करेगा ए सी को तो जब बाइसे करेगा तो टू इक्वल डिवाइड हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं अगर आप देखने की कोशिश करिए तो क्या क्या चीजें हम, हम लिख सकते हैं to, to, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू टाइम ए एम ये लिख सकते हैं और ए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ए एन क्योंकि सब इक्वल ही तो है अगर ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ साइड में क्योंकि फिर आप लोग परेशान होगे ए बी इज इक्वल टू क्या है ए एम प्लस एम बी ए एम प्लस एम बी है अब ए एम और एम बी दोनों इक्वल हैं तो हम ए बी को या तो टू टाइम्स ए एम और एम बी इक्वल हैं तो ए एम प्लस ए एम कर देंगे तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए एम हो जाएगा इसी तरीके से ये भी कर सकते हैं हम टू टाइम्स ए एम मिल गया चाहे तो इसी तरीके से ए सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए एन भी कर सकते हैं तो इस तरीके से बेसिकली अगर हम देखें तो हम इसे लिखेंगे क्यों हम इसको किया इसको हमने इसलिए किया क्योंकि हमको आगे इस चीज का यूज करना है ठीक है अब आते हैं इसके प्रॉपर एक्चुअल प्रूफ में तो इसके प्रूफ में आते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल ओ एन ए एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ओ एन ए ट्राइंगल ओ एन ए की बात करें बेटा ओ एन ए की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप देखिए तो ये क्या है एज ए हाइपोटिन्यूस वर्क करेगा तो हो ओ ए स्क्र इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर दोनों ही ऐड हो गए और यहां से अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा ओ ए की बात करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन की बात करते हैं तो ए एन के केस में अगर हम देखें तो हम इसे ए एन का स्क्वायर रहने देते हैं और इज प्लस ओ एन की बात करते हैं तो ओ एन दे रखा है क्यू स्क्वायर तो यहाँ से हमें क्या मिल गया हमें यहाँ से ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों मिल गया आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसे हमने इक्वेशन नंबर वन बोल दिया ठीक है अब आते हैं ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में ओ एन ए वाले ट्राइंगल की बात हो गई इन ट्राइंगल ओ एन ओ एम ए ठीक है इन ट्राइंगल ओ एम ए क्वेश्चन बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर हम आते हैं सेकेंड नेक्स्ट ट्राइंगल में नेक्स्ट ट्रैंगल में आते हैं तो क्या मिलेगा नेक्स्ट ट्रैंगल में अगेन देखते हैं तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर ओ ए बात करें आर स्क्वल टू ए एम पे एम स्क्वायर रहने दीजिए देखिए इसीलिए हम लोगों ने ये ए एम और ए के टर्म्स में ए बी और ए सी को फाइंड आउट किया है अब यहाँ से ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम क्योंकि यहाँ पर ए एन मिलेगा और यहाँ पर ए एम मिलेगा ओ एम स्क्वायर की बात करें तो ओ एम मतलब ये हो गया पी स्क्वायर फ्रॉम ईयर यू कैन सी दैट ए एम स्क्वायेयर इज इक्वस टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इसे बच्चों हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर टू ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू हो गया अब अगर हम देखें बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कई सारी चीजें एक ही लाइन में होने वाली हैं तो बहुत ही ध्यान से समझना ए एम की बात करें तो ए एम यहाँ से अगर आप देखिए तो ए एम क्या है बच्चों ए एम है यहाँ से ए बी अपॉन टू है कि नहीं ए बी अपॉन टू ए एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू मिलेगा ध्यान से देखिए ए बी अपॉन टू ठीक अब ए बी की बात करते हैं तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है क्या चीज ये क्वेश्चन में गिवन है गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए सी ये लिख लिया और अपॉन टू इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया अब बात करते हैं ए सी की ए सी की बात करें तो ए सी की वैल्यू कितनी है टू टाइम्स ए ये मिला हमें ए सी और ए सी की वैल्यू टू टाइम्स ए एन है तो फाइनली हमें क्या मिल गया देखिए एक ही लाइन में हमने कई सारी चीजें की तो यहाँ से हमें मिला ए एम इज इक्वल टू टू टाइम्स ए एन अब क्या करेंगे ये देखिए हमारे पास ए एन भी है और हमारे पास ए एम भी है और दोनों ही स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो इट विल बिकम ए एम स्क्वायर और इट विल बिकम फोर टाइम्स ए एन स्क्वायर ये मिल गया हमें अब ए एम स्क्वायर की बात करते हैं तो ये कितना दे रखा है R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ए एन स्क्वायर की बात करते हैं R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इस तरीके से मिला R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स R स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स P स्क्वायर दिस कैन बी रिटर्न एज ये हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर एक मिनट जस्ट, जस्ट, जस्ट वेट किसकी वैल्यू आर एन की बात ये Q2, ये क्यू है आपका क्या है जस्ट वेट ये हो गया क्यू स्क्वायर और ये हो गया आपको मिल गया आर स्क्वायर माइनस और ये हो गया फोर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये हमें मिल गया ये मिल गया माइनस थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वा और इसे बेसिकली हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगा फोर क्यू स्क्वायेयर इज इक्वल टू पी स्क्वायेयर प्लस थ्री आर स्क्वायर और क्वेश्चन में आई थिंक यही चीज हमें क्या करनी थी बच्चों प्रूव करनी थी ठीक है तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बस एक स्टेप यहाँ पर जो है थोड़ा सा सोच समझ के काम किया गया है बस डेट्स इट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को पूछने के कई सारे तरीके होते हैं तो पहला तरीका तो यही है इसका पूछने का क्या कहा गया इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ओ जो है सर्किल का सेंटर दे रखा है फिर कह रहे हैं कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी कॉट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ई e पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन साइड द सर्किल सर्किल के अंदर फिर कह रहे हैं प्रूफ दैट ए ओ सी प्लस बी ओ डी आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ डी है ये टू टाइम्स है एंगल ए ई e, सी का मतलब टू टाइम्स है इस एंगल का ध्यान से समझना टू टाइम्स है एंगल ए ई e, सी का आप सुनो मेरी बात ध्यान से ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पूछने के कई सारे टेक्निक आपको मिलेंगे अब आप देखिए जो कॉर्ड जो है जो एंगल एओसी है इस एंगल एओसी को हम क्या बोल सकते हैं हम कह सकते हैं इट इज द एंगल मेड बाय आर्क एसी ऑन द सेंटर ओ ये भी कह सकते हैं और इसको BOD को कह सकते हैं कि इट इज द एंगल मेड बाय आर्क BD ऑन द सेंटर ओ तो इसको पूछने का तरीका दूसरा ये भी हो सकता है ध्यान से समझ लीजिएगा आप एकदम ठीक है अब सल्यूशन पे आते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ईजी है बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करना है अब देखिए ध्यान से समझिए सबसे पहला काम ए ओ सी एंगल ए ओ सी की बात करें तो मतलब ये आर्क ए सी के थ्रू बनाया हुआ एंगल है इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना है इसको बी को सी से ज्वाइन कर दीजिएगा थोड़ा सा काम आएगा हमारे आगे अब देखिए ए ओ सी की बात करें ए सी तो आर्क ए सी के थ्रू बनाया हुआ एंगल सेंटर पे एंगल हुआ और इसी आर्क ए सी के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करिए तो बच्चों एक और एंगल बन रहा है क्या ये एंगल बन रहा है दिख गया आपको दैट इज ए बी सी ए बी सी एक एंगल ये बना एक एंगल ये बना तो बहुत ही ईजी सा था एक सेम आर्क ए सी के थ्रू एक एंगल सेंटर पे बना और सेम आर्क ए सी के थ्रू ये देखिए ये आर्क ए सी है आर्क ए सी के थ्रू पॉइंट बी पर एंगल बना अब इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर पे बनाया हुआ एंगल पॉइंट पे बनाए हुए सेम आर्क के थ्रू एंगल का टू टाइम्स होता है तो बहुत ही ईजी था तो हमने कह दिया फॉर आर्क ए सी आर्क ए सी आर्क ए सी के लिए क्या हो जाएगा सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ए ओ सी वो पॉइंट पे बने हुए एंगल का दैट इज एंगल ए बी सी का क्या होगा बच्चों ए बी सी का टू टाइम्स होगा बहुत इजी सा था ये फिर इसको हमने इक्वेशन वन दे दिया अब आते हैं बी ये रहा एंगल बी एंगल बी पे आते हैं बच्चों तो अगर आप देखने की और समझने की कोशिश करिए तो बी जो है आर्क बी डी के थ्रू सेंटर पे सेंटर ऑफ सर्क सर्कल के सेंटर पे बनाया हुआ एंगल था Uh, अब आर्क बी डी के थ्रू अगर हम देखें तो एक और हमको एंगल दिखाई दे रहा है ये रहा आर्क बी डी और ये आर्क बी डी के थ्रू ये पॉइंट सी पर भी एंगल बन रहा है भाई तो आर्क इसीलिए हमने बी सी को ज्वाइन किया था आर्क बी डी के थ्रू अगर ये एंगल यहाँ पर ये बन रहा है तो उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं हम सिमिलरली कह सकते हैं सिमिलरली सिमिलरली फॉर आर्क बी डी आर्क बी डी के लिए अगर हम कहें तो एंगल बी डी जो है वो क्या हो जाएगा टू टाइम्स एंगल एंगल बी सी डी टू टाइम्स एंगल बी सी डी के क्या हो जाएगा बी सी डी के इक्वल हो जाएगा दो चीज़ें हमें मिली अब हमारी जो प्रूविंग है वो ए सी प्लस बी ओ डी की है तो हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एड कर लेंगे क्योंकि ये ए ओ सी प्लस बी ओ डी मिलेगा तो ये हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी मिल गया ये मिल गया अब यहां से हमने टू कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड से तो हमें एंगल ए बी सी मिला और प्लस एंगल बी सी डी मिला ठीक बी सी डी मिला अब देखिए ध्यान से हमको जो भी वर्क करना है ए ई सी में करना है मतलब वहाँ पर ई का रोल है तो हम इसको ई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे अब देखिए क्या मिला आपको आपके पास है एंगल ए बी सी ये रहा एंगल ए एंगल ए बी सी मतलब ये वाला जो पोर्शन बच्चों मिला दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंगल ए बी सी एंगल ई बी सी भी तो लिख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो लिख लेंगे हम ये हो गया टू टाइम्स ए बी चाहे हम ए बी सी चाहे हम ई बी सी लिखे है तो एंगल बी ही तो ये हो गया एंगल ई e, बी सी इसको इसलिए किया क्योंकि हमको आंसर ई e के टर्म्स में चाहिए अब बात करते हैं बी सी डी की ये रहा एंगल बी ये रहा सी और ये रहा डी एंगल बी सी डी ये वाला एंगल बी सी डी है अब हम इसे क्या लिख सकते हैं हमें हम इसे बी सी ई भी तो लिख सकते हैं हम बी सी डी क्यों लिखें हम बी सी ई लिखेंगे क्योंकि हमको जो है एक के टर्म्स में काम करना है तो ये हमें मिल गया बी सी ई ये मिल गया बी सी ई बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था अब क्या करना है अब अगर आप देखने की कोशिश करिए तो क्या चीज़ है ये रहा ट्रा बी सी ई ठीक देखो ध्यान से इन ट्राइंगल बी सी ई ट्राइंगल बी सी में आए तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ट्रायंगल बी ई सी की बात करें तो ये रहा ये ठीक एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी बी सी बी ई प्लस एंगल सी ई बी तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो ई बी सी और बी सी ई ये रहा ई बी सी मतलब ये वाला एंगल बी एंगल बी और एंगल सी का जो सम है इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ई बी e इसको हम तो हमें क्या मिलेगा इसको हमने लिख दिया टू टाइम्स 180 डिग्री माइनस एंगल ई e, मतलब एंगल बी ई सी तो ये हमें मिल गया बहुत ही ईजी सा टर्म बी ई सी चाहे ई बी जो भी कहिए ये मिल गया अब क्या करना है अब ध्यान से समझिएगा ठीक है अब ये हो गया हमारा टर्म ठीक अब बी सी बीई सी की बात करें ये रहा एंगल बीई सी बीई सी की बात करें तो ये देखिए यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है क्या चीज दे रखी है कि कॉर्ड्स ए बी और सी डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉर्ड ए बी है तो ये एज अ लाइन वर्क करेगा ये लाइन सेगमेंट ही तो होता है जो कि क्या करता है जो सरकमफेरेंस को टच करता है अब देखिए क्या करना है यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पूरा जो एंगल जो है आपको मिल रहा है कौन सा एंगल एंगल ई e. ठीक ध्यान से समझिएगा बी ई सी ये वाला एंगल है और ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो एंगल आपका एंगल ई e है देखो ठीक अब जब एंगल ए ई e की ए ई बी की हम बात करेंगे ध्यान से देखिएगा uh, मैं इसे रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ समझना ध्यान से ठीक है रफली एक्सप्लेन करी उसको लिखना नहीं समझना है पहले तुम लोगों को एंगल ए ई बी जो है ये टू इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तो एंगल ए ई e, सी और दूसरा एंगल बी ई e, सी तो हमने इसको एंगल ए ई e, सी लिखा और प्लस एंगल बी ई e, सी लिखा ठीक है ध्यान से समझना अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो सम होगा दैट सम विल बी 180 तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल होगा ध्यान समझना अब जब ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया बेटा तो उस केस में आ, अगर हमें 180 डिग्री माइनस बी सी चाहिए होगा ये देखिए ध्यान से समझिएगा तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ए जो है वो वन डिग्री माइनस एंगल बी नहीं मिल जाएगा अब इसको हमने क्या कह दिया इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो आप ठीक है क्या कह दीजिए इक्वेशन नंबर वन इसे कह दीजिए ध्यान से समझिएगा एंगल ई e था एंगल ई टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एई सी प्लस बी ई सी और दोनों का क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल है लीनियर पेयर का एंगल है तो वन हंड्रेड एट्टी डिग्री होगा तो उसके थ्रू हमने इसको क्या किया दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमको वन हंड्रेड एट्टी डिग्री माइनस एंगल बी ई सी जो मिला इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल सॉरी एंगल एंगल ए ई सी ए सी और शायद हम लोगों को यही चीज़ प्रूव करनी थी और हमें यहाँ से क्या चीज़ मिल गया हमें यहाँ से मिल गया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ए ई सी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बस इसका पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बुक में डिफरेंट डिफरेंट वे में है अब जैसे एक तो वे ये था इसका पूछने का अब दूसरे इसी का दूसरा पार्ट इसी का मतलब इसी का, को पूछने के नेक्स्ट वे में आते हैं देखो अब क्या कहा जा रहा है सेम क्वेश्चन है ये आप मुझे क्लासरूम में करके बताएंगे बस समझ लीजिए क्या करना है यहां पर भी सेम है यहां पर भी इन्होंने देखो ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने कहा क्या है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी ए बी जैसा लास्ट क्वेश्चन में था ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ट्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ जो है एक दूसरे को पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ई e पे पॉइंट ई e पर इंटरसेक्ट कर रहा है प्रूव दैट एंगल ए ई सी आपको प्रूफ क्या करना है अगेन आपको वही चीज़ प्रूफ करनी है क्या चीज़ प्रूफ करनी है? कि एंगल ए ई सी मतलब ये जो एंगल ए ई सी बन रहा है जैसे वहाँ पे बन रहा था वो वन अपॉन्ट टू एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क C X A इज़ इक्वल टू होगा वन अपॉन टू एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क C X A एट सेंटर O ये एंगल और दूसरी चीज़ प्लस एंगल सब्टेंडेड बाय प्लस एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क D Y B एट सेंटर एट सेंटर तो मतलब कुल मिलाकर के इसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल आपका क्या बन जाएगा ये बनेगा बी ओ डी ये वाला एंगल तो इनका कहने का मतलब बस वही था जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यही चीज प्रूव की ए सी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एंगल अब इस तरीके से बच्चों देखिए तो क्या है हैंग सी एक्स ए के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बना वो क्या था ए सी था एंगल एओ सी प्लस एंगल आर्क एट द एंगल बी ओडी एंगल बी ओडी तो इज इक्वल टू ये क्या बना एंगल एओ सी प्लस एंगल बी ओडी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए सी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने चीजें प्रूव की एक सेम वही प्रूविंग है सेम वही प्रूविंग है बस इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिएगा कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया आप एसी को ज्वाइन कर लेना बच्चों और आप बीसी को ज्वाइन कर लेना ईजिली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होते हुए मिलेगा और क्लास में अगर आप इसको आंसर नहीं दोगे तो मैं समझूंगी कि आपने वीडियो नहीं देखा है नाउ लेट्स कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे आते हैं ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एनसीआरटी के पेज नंबर 186 की नाइन्थ प्रॉब्लम है ये कह रहे हैं टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी दो सर्किल है हमारे पास जो कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पर थ्रो पॉइंट बी पॉइंट कह रहे हैं पॉइंट बी के थ्रू हमारे पास दो लाइन सेगमेंट हैं एक लाइन पी बी क्यू है और दूसरा लाइन ए बी डी है कह रहे हैं दो हमें मिल रहे हैं लाइन सेगमेंट आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्किल जो कि सर्किल को ए डी पे पॉइंट ए पे पॉइंट क्यू पे पॉइंट डी पे ये सब भी क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं कह रहे हैं आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल ए सी पी है वो एंगल ए सी पी क्यू सी डी के क्या होगा बच्चों इक्वल होगा तो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं गिवन क्या है गिवन गिवन के केस में ये सारी चीजें लिख लीजिएगा आप करना क्या है ज्वाइन करते हैं हम यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्यूशन में आते हैं बिना ए पी को ज्वाइन किए हुए हमारा काम नहीं बनने वाला है तो हम क्या करने वाले हैं ए पी को ये देखिए ज्वाइन ए पी यहाँ पर से हम क्या करेंगे ए पी को ज्वाइन कर देंगे ये रहा ए पी ज्वाइन कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा फिर हम लोग डी को डी क्यू को भी ज्वाइन करेंगे हम क्या करेंगे ज्वाइन ए पी एंड डी क्यू ए पी और डी क्यू को हम लोग बच्चों ज्वाइन करने वाले हैं जैसे ही हमने ए पी और डी क्यू को ज्वाइन किया हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर हम लोगों ने ये जो एंगल फिर हम लोग सपोज कर लेंगे लेट एंगल ए सी पी एंगल ए सी पी मतलब ये एंगल ए सी पी को एंगल वन कंसीडर कर लेंगे एंगल नेक्स्ट जो एंगल डी सी क्यू है इसे हम जो है एंगल टू कंसीडर कर लेंगे अरे हमारा काम आसान हो जाएगा ये करने से और भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं एंगल्स जो आपके बन रहे हैं वो एंगल ए बी पी जो बन रहा है एंगल ए बी पी अगर हम देखें तो हम इसे एंगल जो है थ्री कंसीडर कर लेंगे एंगल ए बी पी ए बी पी को हम एंगल थ्री कंसीडर कर लेते हैं और एंगल एक और बन रहा है दैट इज़ एंगल क्यू डी क्यू डी पी यहाँ से एक एंगल क्यू बनेगा क्यू डी पी ये वाला एंगल क्यू डी पी ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगल क्या कर लेंगे एंगल फोर क्यू uh, एक मिनट एंगल क्यू बी डी सॉरी एंगल क्यू डी को हम लोग फोर कंसीडर कर लेंगे ये सारे एंगल्स का यूज है फोर कंसीडर कर लेंगे अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा हम आते हैं दो हमारे पास आर्क दिख रहे होंगे कौन कौन से आर्क हैं एक आर्क हमको ए पी दिख रहा है और नेक्स्ट आर्क हम लोगों को दिख रहा है आर्क आर्क डी क्यू दोनों आर्क में चल के हम काम करेंगे फॉर आर्क आर्क ए पी आर्क ए पी के लिए अगर हम आए तो देखो बहुत ध्यान से समझना आर्क ए पी के लिए अगर हम आते हैं तो क्या मिलेगा ये देखिए ये रहा आपका आर्क ए पी आर्क ए पी के थ्रू एक एंगल आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये देखिए ये ये एंगल और सेम आर्क ए पी के थ्रू आपको एक ये एंगल दिखाई दे रहा होगा तो उस तरीके से एक ये एंगल मिला और एक ये एंगल मिला ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं वो सेगमेंट है ए पी बी सी ए ये देखिए ये रहा सेम सेगमेंट ये रहा आर्क ए पी और आर्क ए पी के थ्रू ए पी बी सी क्यू सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल इसको हमने क्या कंसीडर कर रखा है इसे एंगल थ्री और इसे एंगल फोर कंसीडर कर रखा है तो आर्क ए पी के थ्रू सेम सेगमेंट में जो बनने वाले एंगल मिले वो एंगल वन और एंगल थ्री मिले तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बच्चों क्या होते हैं ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ से फॉर आर्क ए बी के लिए हमने कह दिया कि एंगल वन जो है एंगल थ्री के इक्वल हो गया क्या हो गया एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट एंगल्स इन सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट के एंगल हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये फिर इसके बाद आर्क बी डी की बात करते हैं ये रहा आपका सॉरी आर्क डी क्यू आर्क डी क्यू के केस में अगर आप देखिए तो आर्क डी क्यू के, के केस में ये आर्क डी क्यू है ये एक एंगल ये बना आपका और दूसरा एंगल ये बन गया आपका ठीक है तो एक एंगल टू और एंगल फोर बन गया तो एंगल टू इज इक्वल टू फॉर आर्क डी क्यू आर्क डी क्यू आर्क डी क्यू के लिए जो एंगल बना वो एंगल टू जो है एंगल फोर के इक्वल बन गया कौन सा सेगमेंट था ये सेगमेंट था आपका ये सेगमेंट कौन सा सेगमेंट था ए पी बी सी ए पी बी सी ए और जो है ये सेगमेंट क्या था ये सेगमेंट था डी क्यू सी बी डी डी क्यू सी बी डी ये दोनों सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हो गए अब इसे इक्वेशन वन बोल दीजिए इसे इक्वेशन टू बोल दीजिए और हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी है कि दो लाइन्स सेगमेंट हैं ए बी डी और पी बी क्यू ए डी बी ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये और ये जब इस तरीके का दो लाइन सेगमेंट बना तो यहाँ सर अगर अगर आप देखिए या तो ये देखिए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं एक दूसरे को ऐसे कट करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं तो यहाँ से देखिए तो एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा क्यों इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया तो एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल हो गया आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है और एंगल फोर एंगल टू के क्या हो गया इक्वल हो गया तो यहाँ से अगर हमको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो चीज़ हमारे पास क्या थी ए जो है किसके इक्वल है क्यू के मतलब हम लोगों को ए सी पी क्यू सी डी के इक्वल है मतलब हम लोग को शो करना था एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल गया दिस विल इम्प्लाइज एट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू सी डी ये चीज़ हम लोगों को क्या करनी थी बच्चों प्रूफ करनी थी तो यही बेसिकली हम, हमारा जो था रिजल्ट था ठीक है अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है ये भी डाउट है किसी बच्चे का सर्किल्स लाइज ऑन थर्ड साइड अब ध्यान से समझिए हमने इसको पहले से ड्रॉ कर लिया क्योंकि एक्यूरेट फिगर नहीं बन पाता है क्या बोला गया पहला काम हमने क्या लिया सर्किल की देखिए ध्यान से समझिएगा हमने पहले ट्राइंगल लिया एक ट्राइंगल ये लिया एक ट्राइंगल का एक ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर करिए ध्यान से समझिएगा ठीक है ट्राइंगल कंसीडर करने के बाद बोला गया कि ट्राइंगल के जो टू साइड्स हैं लाइक एक साइड ये है और एक साइड ये है इसको एज अ डायमीटर कंसीडर कर लीजिए इसे सर्किल का डायमीटर कंसीडर करिए और डायमीटर कंसीडर करके ये सर्किल ऐसे ड्रॉ किया आपने और ये सर्किल इस तरीके से एक सर्किल आपने इस तरीके से ड्रॉ किया और सर्किल के दूसरे साइड को जो है फिर दूसरा डायमीटर कंसीडर करके एक और सर्किल आपने इस तरीके से क्या किया ड्रॉ कर दिया ठीक है तो ये ड्रॉ करने के बाद ये क्या कह रहे हैं बच्चों कह रहे हैं कि प्रूव करिए जो दोनों सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है ठीक है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्किल के थर्ड साइड पे लाइक like करेगा क्या करेगा सर्किल के थर्ड साइड पे लाइक like करने वाला है क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है बट थोड़ा सा जैसे एज अ स्टूडेंट सोचो तो थोड़ा सा टफ भी लगता है इसको हमने क्या कह दिया इसे हमें कह हमने कंसीडर कर लिया सर्किल सी वन और इसे हमने कंसीडर कर लिया सर्किल सी टू इसको वर्टेक्स को इसके वर्टेक्स की नेमिंग कर दी ए बी सी और इसे सी कह दिया ए बी सी और इस पॉइंट को डी कह दिया तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन अब इसमें हमें गिवन पोर्शन देखना है तो बच्चों अगर देखें तो गिवन पोर्शन यहाँ पर क्या है गिवन है पोर्शन है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी दिया हुआ है ए बी इज डायमीटर ऑफ ए बी जो है डायमीटर है डायमीटर ऑफ सी वन एंड ए सी इज डायमीटर ऑफ ए सी इज डायमीटर ऑफ ए सी किसका डायमीटर है डायमीटर ऑफ सी टू ए सी जो है सी टू का डायमीटर है दोनों के डायमीटर मिल गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है ठीक है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का मतलब सर्किल जो है किस पॉइंट पे कट करती है सर्किल जो है ट्राइंगल को किस पॉइंट पे या दोनों सर्किल एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करेंगे वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से क्या मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी वन एंड सी टू सी वन और सी टू का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इज ए एंड डी और हमें शो क्या करना है हमें शो करना है टू शो हमें क्या चीज़ शो करनी है वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट हमें क्या चीज शो करनी है वी हैव टू शो दैट ऑन डी लाइज ऑन बी सी डी जो है साइड बी सी पे क्या करने वाला है लाई करने वाला है ये चीज हम लोगों को शो करनी है अब ध्यान से अगर देखने की कोशिश करिए तो कुछ आप लोगों को हाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या कर दिया इसको क्या कर देंगे हम ध्यान से समझिएगा इसे हम करने वाले हैं अब ज्वाइन क्या करने वाले हैं ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया हमारा ज्वाइन इसको हमने कर दिया इस तरीके से जॉइन जॉइन ए डी क्या कर दिया जॉइन कर दिया ए डी को तो हो गया जॉइन ए डी जॉइन करने के बाद हमारा काम आसान होने वाला है अब अगर आप देखने की कोशिश करिए तो बहुत ही ईजी सी ये चीज बन गई क्या चीज बन गई देखिए ये रहा सर्किल सॉरी सर्किल सीवन में पहले आते ये रहा सर्किल सीवन ये रहा इसका डायमीटर ठीक डायमीटर हुआ तो ये अगर हम एंगल ए डी बी की बात करें तो एंगल ए डी भी जो है सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल हुआ जब सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल हुआ तो कितने डिग्री का हो जाएगा भाई प्रूफ की बात करें अगर सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल है एंगल ए डी बी तो डेफिनेटली राइट एंगल हो जाएगा राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहां से एंगल ए डी बी जो है वो हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल्स इन सेमी सर्किल एंगल इन सेमी सर्किल सेमी सर्किल सेमी सर्किल ये हो गया सी वन के लिए अब बात करते हैं सी टू के लिए सी टू के केस में आते हैं तो यहाँ से फिर से देखिए ये ए सी हो गया और डायमीटर होने के बाद ये जो है ये बना हमारा जो एंगल है ये this one, ये एंगल अगर जो हमारा बना इस तरीके से ये वाला जो एंगल एंगल ए डी सी एंगल ए डी सी जो एंगल बना वो भी 90 डिग्री बन जाएगा क्यों बन जाएगा एंगल इन एंगल इन सेमी सर्किल सेमी सर्किल का एंगल बना एंगल इन सेमी सर्किल ये भी सेमी सर्किल का एंगल बना तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा हमने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया ए डी बी और प्लस ए डी सी को ऐड कर दिया और ये हो गया 90 प्लस 90 और फाइनली हमें मिल गया एंगल एंगल पूरा का पूरा क्या मिल गया एंगल बी डी सी जो है बी डी सी पूरा का पूरा 180 डिग्री मिल गया ये कब होता है बी डी सी वन डिग्री होने का मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं जब ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी जो है जो है लाइन बी सी पर क्या कर रहा है लाई like कर रहा है ठीक है तो बहुत ही ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था तो हम यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे कि लिखना क्या है तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ए डी बी और बी डी सी की वैल्यू हमें ए डी बी और ए डी सी की वैल्यू जो है पूरा का पूरा हमें वन हंड्रेड एट्टी मिला तो हम यहाँ से लिखेंगे कि दे फॉर्म दे फॉर्म लीनियर पेयर ये क्या फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर फॉर्म करने का मतलब क्या हो गया कि लीनियर पेयर कौन कब फॉर्म करता है केवल लाइन पे फॉर्म करता है तो उसका मतलब यहाँ से क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जो है बी डी सी वो क्या है ये इज अ लाइन है ये लाइन है और जब बी डी सी लाइन हो गई तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट डी है वो बी सी पे क्या करेगा लाई करेगा तो हमने क्या कह दिया हमने कह दिया कि बी डी सी लाइन है देअर फोर बी लाइज सॉरी डी लाइज ऑन लाइन बी सी